कोलोरेक्टल पालिप, कोलोरेक्टल पालिप वह स्थिति होती है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन में कि जब उसमें ग्रोथ हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कोलोरेक्टल पालिप को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कोलोरेक्टल पॉलिप के विषय में। कोलोरेक्टल पॉलिप एक कंडीशन होती है जिसमें कि कोलोन में पॉलिप डेवलप हो जाता है यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पॉलिप डेवलप हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कोलोरेक्टल पॉलिप को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आखिर कोलोरेक्टल पॉलिप होता क्या है। कोलोरेक्टल पॉलिप कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन में वह कंडीशन होती है जब उसमें पॉलिप की ग्रोथ हो जाती है, उसकी इनर लाइनिंग में ग्रोथ हो जाती है, वही स्थिति को कोलोरेक्टल पॉलिप कहते हैं। कोलोरेक्टल पॉलिप के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो है वह एसिम्प्टोमेटिक होता है। जब मरीज किसी और चीज़ के लिए कोई जांच कराता है तो उसमें कोलोरेक्टल पॉलिप आता है, लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में ब्लड में स्टूल में ब्लड और म्यूकस आने का सिम्टम हो सकता है। कॉजेज यानी कारण की बात कर लेते हैं। कोलोरेक्टल पॉलिप का रीज़न आज तक अननोन है, लेकिन माना जाता है कि इम्यून सिस्टम के कारण, हेरिडिटरी डिजीजेस के कारण या क्रॉन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्थिति में धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन में पॉलिप डेवलप हो जाते हैं। कोलोरेक्टल पॉलिप बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडिनोमेटस कोलोरेक्टल पॉलिप और दूसरे होते हैं हाइपरप्लास्टिक कोलोरेक्टल पॉलिप। एडिनोमेटस कोलोरेक्टल पॉलिप 70% केसेस में कैंसर में डेवलप हो जाते हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। और हाइपरप्लास्टिक कोलोरेक्टल पॉलिप में लगभग ना के बराबर संभावना होती है कि वह कैंसर में डेवलप हो। इसके अलावा अन्य प्रकार के कोलोरेक्टल पॉलिप भी होते हैं, लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे कोलोरेक्टल पॉलिप को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ पॉसिबल होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं उस सफ़र पे, आपको बताते हैं कोलोरेक्टल पॉलिप को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ पॉसिबल होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है कोलोरेक्टल पॉलिप में कि डाइजेस्टिव सिस्टम आल्टर्ड हो जाता है। मरीज को या तो डायरिया रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो यदि यह स्थिति हो कि कभी भी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना रहता हो, उनको कोलोरेक्टल पॉलिप हो और उनको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन बना रहता हो, तो उस स्थिति में कोलोरेक्टल पॉलिप को ख़त्म करने की दवा होम्योपैथी में पॉसिबल दवा है कालीब्रोमेटम। कालीब्रोम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से मरीज को कोलोरेक्टल पॉलिप के केस में लाभ मिलता है। एक स्थिति आती है कोलोरेक्टल पॉलिप की कि पेशेंट को हर समय डायरिया बना रहता है। तो अगर यह स्थिति हो कि पेशेंट को डायरिया बना रहता हो, उन्हें कोलोरेक्टल पॉलिप और बहुत वीकनेस होती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैल्केरिया फॉस्फोरिका। कैल्केरिया फॉस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस दवा से पेशेंट को कोलोरेक्टल पॉलिप के केस में लाभ मिलता है। एक स्थिति आती है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो और कोलोरेक्टल पॉलिप हो। यदि यह स्थिति हो कि पेशेंट को कोलोरेक्टल पॉलिप और उनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में एक पॉसिबल दवा है अमोनियम म्यूराटिकम। अमोनियम म्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है कोलोरेक्टल पॉलिप के केस में, जबकि
कोलोरेक्टल पॉलिप हो, पेन बना रहता हो, स्टूल बहुत हार्ड होता हो और स्कैंटी यानी कम होता हो, वैसी स्थिति में अमोनियम म्यूर एक कारगर दवा है। एक स्थिति है कि किसी पेशेंट को कोलोरेक्टल पॉलिप हो और उनका पेट कभी साफ ना रहता हो, स्टूल होता हो, कम होता हो, हर समय लगता हो कि मोशन बना हुआ है, भारीपन पेट में है, तो अगर यह स्थिति है तो इस स्थिति को ठीक करने की, कोलोरेक्टल पॉलिप को ख़त्म करने की होम्योपैथी में दवा आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से ऐसी स्थिति में पेशेंट को लाभ मिलता है। एक स्थिति साथियों आती है किसी को कोलोरेक्टल पॉलिप हो और लगातार उनके ब्लीडिंग हो रही हो, स्टूल में ब्लड आता हो और मरीज को बहुत वीकनेस आ गई हो, तो कोलोरेक्टल पॉलिप का केस जिसमें कि ब्लीडिंग हो रही है उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फास्फोरस। फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती हैं। इस दवा से पेशेंट को उसमें आराम मिलता है। ये साथियों को दवाएँ थी कोलोरेक्टल पॉलिप की। दवाएँ साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, अपनी राय इस वीडियो के विषय में अवश्य लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको समाज हित में लगा हो यह कोलेट्रल पॉलिप पर, तो वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, इससे समाज को लाभ होगा और आप और हम दोनों पुण्य के भागी बनेंगे। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत